की बड़ी खबर आ रही है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर कोच, स्लीपर वर्जन जल्द लॉन्च होने वाला है। अब वंदे भारत में लेट कर भी आप यात्रा कर सकेंगे। दिल लुभाने वाला होगा वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन। रेल मंत्री ने स्लीपर वर्जन की अद्भुत तस्वीरें साझा की हैं सोशल मीडिया एक्स पर। राजधानी दुरंतो से एकदम अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। अत्याधुनिक इंटीरियर से लैस है ये स्लीपर वर्जन। क्लासिक लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोर टाइलिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। लाइटिंग की बेहतर सुविधा दी गई है। लंबी यात्रा करने वालों के लिए ये बेहद आसान और आरामदायक सफर होने वाला है। वंदे भारत के बाद अब वंदे मेट्रो भी विकसित करने वाली है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने वंदे भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। देश में वंदे भारत ट्रेनों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच में अब नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही इन ट्रेनों में स्लीपर कोच भी लॉन्च करने जा रही है। अभी तो वंदे भारत चाहे किसी भी रूट की हो इसमें बैठने की ही सुविधा थी, लेकिन अब इस दिशा में आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी सरकार ने वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसकी तस्वीरें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कोच का मॉडल जारी करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन 2024 की शुरुआत में लॉन्च कर दिया जाएगा। जी हाँ, रेल मंत्री ने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई हैं जो आपके दिल को खुश कर सकती है। स्लीपर ट्रेन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन कितना अलग और खास होने वाला है। यह ऐसा सफर होगा जो किसी होटल की तरह एकदम लग्जरियस होगा। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जो तस्वीरें साझा की हैं, उसमें अत्याधुनिक इंटीरियर और सुविधाओं के साथ एक क्रांतिकारी रेल यात्रा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। इसे ज्यादा आरामदायक सीटों के साथ क्लासिक लकड़ी से डिजाइन किया गया है। फ्लोर टाइलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रेन में बेहतर रोशनी का भी किया गया है। अब ये नई वंदे भारत का स्लीपर वर्जन लंबी यात्रा करने वालों के लिए काफी आरामदायक साबित होने वाला है। अब आपको बैठकर जाने की टेंशन से दूर कर दिया जाएगा। राजधानी दुरंतो से कई गुना अच्छी दिखने वाली वंदे भारत का ये वर्जन आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाला है और जल्द ही लॉन्च भी होने वाला है। वैसे जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ICF वंदे मेट्रो भी विकसित कर रहा है। वंदे मेट्रो 12 कोच वाली ट्रेन होगी जिसका इस्तेमाल कम दूरी की यात्रा के लिए किया जाएगा। सोचिए, 2019 में वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का सिलसिला शुरू हुआ था। अब तक कई वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया जा चुका है। अब इस प्रीमियम ट्रेन को और ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसका स्लीपर वर्जन भी जल्द आने वाला है और उसके बाद वंदे मेट्रो को भी लॉन्च करने की प्लानिंग नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत ही तेजी पर है। वैसे जिस तरह वंदे भारत ट्रेन के इस वर्जन को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार लालायित नजर आ रही है, क्या इस वंदे भारत में सफर करने के लिए आप भी उतने ही उत्साहित हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।